और जी आप ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है चुस्ता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वायरल राजू सिंह राजू। जो अभी मैं मटन बनाने जा रहा हूँ, फ्रेश मटन अभी मैं बाज़ार से 2 किलो लेके आया हूँ। 1.5 किलो यहाँ प्याज है और जो खड़ा मसाला जो दिया जाता है स्टार्टिंग में, जीरा है, स्टार है, दालचीनी है, इलायची है, तेज़पत्ता है और ये मिर्ची है। तो पहले इसका हम लगाएंगे छौंका, उसके बाद प्याज जाएगा, फिर मटन जाएगा। तो आप लोग हमको देखने के लिए तो आप लोग एकदम बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो कैसे बनता है तो मैं आप लोग को सब चीज़ परफेक्ट और यूनिक आज एकदम झलदार दम बनाना है, एकदम मीट ठीक है, एकदम इंजॉय करना है। तो आप लोग दम बने रहे मेरे ब्लॉग। दोस्तों इसमें फ़ौरन जा चुका है और ये जा रहा है आपका 1.5 किलो प्याज। इसमें गया प्याज और इसमें हम सरसों के तेल डाले थे, जो अपना हम अपना मिल में ही पिसवा के लेके आए थे सरसों का तेल, ठीक है। तो सरसों का तेल में तो मांसों खूब बढ़िया होता है। तो आप लोग दम बने रहे और देखते रहे, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आज तो होली है, ठीक है। तो होली के शुभ अवसर पर मांसों बना रहे भैया दम जानदार शानदार, कि आप लोगों को भी मुँह में पानी आ जाएगा। हमको तो पहले से आ रहा है कि अभी बना नहीं है, स्टार्टिंग किए हैं। तो आप लोग एकदम बने रहे और देखते रहे, ठीक है। तो दोस्तों मेरा प्याज लगता है कि माने ऑलरेडी माने पक चुका है। तो आप लोग को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आप लोग फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये मेरा प्याज पूरा एकदम पक चुका है, एकदम लाल हो चुका है, एकदम ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे अपना मीट। और जी यार ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है चुस्ता। चुस्ता में मैं डाला हूँ चर्बी, ये फूल का कम से कम 1 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो हम मीट डाल रहे हैं इसमें, मीट इसमें गया, ठीक है। इसके बाद हल्का से इसको चला के पूरा मसाला इसमें पूरा ऐड करेंगे। और उसके बाद जब लास्ट में जब मीट जब बन जाएगा तो आप लोग को हम टेस्ट भी करवा देंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लीजिएगा। और आप लोग जो मेरे भाई लोग हैं जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज जो हमारे नए भाई लोग हैं वो वीडियो को देखे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मीट माधा मैंने इसको मिक्स कर दिया हूँ और ये रहा मेरा मसाला। मसाला में आधी लहसुन, जीरा, मिर्च और 2 प्याज, तो सब कुछ इसमें मैं मिक्स करके रखा हूँ। तो ये जाएगा इसका अंदर। दोस्तों इसमें हम सब मसाला डाल दिए हैं और इसको हम लो फ्लेम पे कम से कम 2.5 घंटा हम इसको पकाएंगे। उसके बाद तब जो प्याज है, जितना सारा मसाला है, अपने में वो घुल मिल जाएगा। उसके बाद जो टेस्ट बनेगा दम यूनिक। और हम गैस पे ही बना रहे हैं, चूल्हा पे नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ा बने धुआं हुआ सब लगने लगता है, थोड़ा आँख में थोड़ा मेरा इन्फेक्शन है तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग माने हम गैस पे ही बना रहे हैं, मैंने गैस का भी ठीक ही खाना होता है, बाकी चूल्हा पे बनाना चाहिए था हमको, बाकी हम नहीं बनाए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और लास्ट में आपको हम बना के दम यूनिक तरीका से आप लोग हम दिखाएंगे। तो आप लोग इंजॉय करें और हैप्पी होली, आज होली के दिन है, आप लोग हम खाए पिए पूरा इंजॉय करें। सो वेलकम बैक, फिर से मैं आ चुका हूँ और मेरा मटन दम रेडी हो चुका है। कम से कम 2.5 घंटा प्लस लग गया, माने मान लीजिए तो 3 घंटा लग चुका है। तो मेरा एकदम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ देखिए यासी बन रहा है, बड़ी 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 बन रहा है और मटन मेरा रेडी हो चुका है। तो आप लोग को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी माने चढ़ा हुआ ही है। तो देखिए ये हो गया हेवी बाबू, एकदम कड़ाही मटन हो गया, एक नंबर का।
जो आपको ढाबा में भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये एक नंबर, देख लीजिए यहाँ पे, सो ब्यूटी सो एलिगेंट बन चुका है, बहुत मस्त दम दिखने में लग रहा है। कलर भी पूरा घुमा घुमा कर दिखाइए ना, यहाँ पे कलर एक नंबर दम दम बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा बना है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी मैंने बन चुका है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी मैं टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा अभी हमको थोड़ा मैंने काम में भी है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ कैसा बना है और मैं कैसा बना के आप लोग में दिखाया हूँ। तो अब आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी खाएं और फुल इंजॉय करें। आज होली के दिन है, तो हैप्पी होली। नमस्ते, प्रणाम, गुड बाय।